हाय हेलो वेलकम डैड इन किचन चैनल। खट्टी दाल हैदराबाद के हर एक घरों में कंपलसरी और रोज पकाई जाती खट्टी दाल। दाल नहीं है तो जमता नहीं, दाल नहीं है तो बच्चे खाते ही नहीं, दाल नहीं खाए तो पेट भरता ही नहीं। तो चलो ऐसी दाल पकाएंगे। ये है दाल घोटनी, खट्टी दाल बनाना बोल तो दाल घोटनी होना है। चलो बनाए। तुवर की दाल, इमली का पानी, ड्रमस्टिक, मुनक्काई, मिर्च पाउडर, लहसुन, हल्दी, बघार के लिए सूखी लाल मिर्ची, नमक, राई जीरा, हरी मिर्च, टमाटर और कोथमीर करी पत्ता। कुकर में दाल डाल देंगे और पानी डाल लेंगे, टमाटर, हरी मिर्च, बस ढक्कन लगा के इसको पका लो, पांच विजिल आने तक पका लेना। अच्छा गैस पूरा 10 मिनट चूल्हे से उतरने के बाद 10 मिनट छोड़ देना। अब इसमें नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, दालों को पूरा दाल घोटने से घोट लेना। अच्छा घोट लेना। देखो ऐसा सब पूरा घोट लेना। अभी इसको इसमें निकाल लेंगे सेपरेट बर्तन में। अब इसमें डालेंगे इमली का पानी, आराम से मिक्स कर लेना। अभी हम दाल बघार देंगे स्टाउ, उसमें लगाएंगे भगोना, दाल का भगोना, 2 चम्मच तेल, 2 या 3 चम्मच तेल गरम हो गया, इसमें डाल लो राई जीरा, इसमें डाल लो लहसुन, लहसुन को थोड़ा कूट लेना, 1 का 2 पीस बनाना। अच्छा इसमें डालो करी पत्ता, इसमें डालो लाल मिर्च, बस खत्म। और इसमें डालना बोले तो हींग डालना, लेकिन हींग आज मैं नहीं डाल रहा। अब इसमें डालना मुनक्काई, ड्रमस्टिक, अबे बघार में डालना कोथमीर, कोथमीर बघार में डाले तो अच्छा फ्लेवर आता। बघार हो गया। अब ये जो दाल हम मैंने घोट के लगाया इमली के पानी के साथ, बस इसको डालना और ये बघार में डाले की इमीडिएटली झाकन लगाना। ये झाकन काई को लगाना बोल तो बघार का फ्लेवर जो है ना बाहर नहीं जाता, उसमें ही रहता। अब हो गया झाकन। अभी ये जो खट्टी दाल है ना इसे डाल देना, खत्म। अब हो गया। अब एक बार अच्छा नमक देख लेंगे,
थोड़ा नमक कम है, एक चम्मच नमक डाल दो को। अच्छा ये फल्ली पूरा पक जाना, ये फल्ली पकना एक 10 मिनट अच्छा उबाल आने दो दाल, बस खत्म। हैदराबाद खट्टी दाल तैयार। चलो 10 मिनट हो गया। वाव वाव व्हाट खुशबू आ रही दाल की। वाह देखो ये फल्ली पकने तक पकाना अच्छा, 10 मिनट पकाना। अभी हम इसको कर लेंगे डिश आउट। वाव खट्टी दाल तैयार हो गई, खट्टी दाल। वाव 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 खाने के साथ, बस ये कुछ चबाने के लिए होना, हरी मिर्च रहे तो और फैंटास्टिक। बाय फ्रेंड्स।